हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है मेरा डे 12, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। आज है मेरा डे 12 वेट लॉस की जर्नी का। आज है बैक की वर्कआउट। अब मैं डेली डेली एक्सरसाइज तो बताऊंगी नहीं, बिकॉज आप इतने दिन से मेरे साथ हो तो आपको एक्सरसाइज का पता चल ही गया होगा। अभी जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे है, ऑन दैट मशीन। चलो अपनी करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। वार्म अप मैं कर चुकी हूँ, ज्यादा वार्म अप नहीं किया बिकॉज अभी रील वील शूट करके आई हूँ तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ट्यूजडे और फ्राइडे मेरा यही हाल होता है, भाग के रील शूट करो, भाग के जिम के कपड़े पहनो और भाग के जिम में आओ, जिम करो, फिर भाग के वहां जाओ, एडिटिंग करो तो व्लॉग को भी और शॉर्ट्स को भी। सो भाई बहुत प्रॉब्लम का काम होता है। आप लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पूरा गर्मियों में हालत इतनी खराब हो जाती है, उसके बाद पानी भी पीते रहो जैसे आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। चलो मैं अपनी बकवास करती हूँ बंद, आप बोलो कितना बोलती है ये। मैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे देखना, ठीक है? तो ये है मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, आप लोगों को पता ही होगी बिकॉज आप आई थिंक मुझे 2 हफ्ते तो हो ही गए, तीसरा हफ्ता है मेरा, है ना? हाँ तीसरा हफ्ता है। चलो अपनी एक्सरसाइज, नहीं 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये तीसरा हफ्ता है मेरा। एक हफ्ते पहले मैंने पूरी मिक्स की थी एंड एक हफ्ता फिर वही अलग अलग डे के अलग अलग एक्सरसाइज हुई थी। और सॉरी, और ये है थर्ड वीक मेरा। आप इतने वीक से मेरे साथ हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स डू दिस गाइस। ये है मेरी थर्ड एक्सरसाइज। अब ये इस वाली जो क्या बोलते हैं इसे, इक्विपमेंट है या उस पे, ये लास्ट है, उसके बाद दूसरी होगी डंबल्स के साथ। आउच। सो गाइस, ये है मेरी फोर्थ एक्सरसाइज एंड पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे बॉडी में, बट एक्सरसाइज कुछ देख ले। सो गाइस, मेरी फिफ्थ एक्सरसाइज चल रही है रिवर्स मशीन, मतलब रिवर्स करके जो बटरफ्लाई मारते हैं वो। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है बिकॉज पेन जो है बॉडी से जा ही नहीं रहा। मतलब कल वाली एक्सरसाइज थी वो सारी चेस्ट की थी, तो पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि अभी तो बिल्कुल पेन फील ही नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, ठीक है? आप सुबह जैसे ही उठते हैं ना वैसे ही पेन जो है वो फील होने लग जाता है कि हाँ यहाँ की एक्सरसाइज की थी तो यहाँ पेन होना स्टार्ट हो गया है। एंड इतनी गंदी हालत है मेरी, एक तो मैं कल गिर गई, मेरा पैर बढ़ गया, उस दर्द में मैंने रील तक बनाई। मैंने कहा चलो रील बनाते हैं, रील नहीं बनाएगी तो अकाउंट चलेगा नहीं। जिम भी आई हूँ बट कार्डियो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कार्डियो करना मुझसे। मेरे पैर में इतना पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो चुकी है मेरे पैर में, मैंने कल से कुछ भी नहीं लगाया, अब जाके मैं लगाऊंगी बिकॉज पेन बढ़ता जा रहा है। फटाफट से मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगी एंड जो स्टमक की कार्डियो है मैं वो करूंगी बिकॉज मैं वो वाली कर सकती हूँ, वो आराम से कर लूंगी मैं, बट जिसमें ये जंपिंग जैक्स और स्टेपर ये नहीं कर पाऊंगी मैं बिकॉज पैरों में मैं नहीं, क्योंकि भैया बहुत काम है अपन को, रील शूट करनी होती है एंड एवरी सिंगल थिंग, हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। अभी हम अपनी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, मैं अपनी बकचोदी बाद में आपको सुनाऊंगी, ठीक है? सो गाइस, ये है मेरी फिफ्थ एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ। इतनी गंदी हालत मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई है, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज बॉडी को पता लगना चाहिए कि हाँ आप इतने इतने जो वेट्स है वो उठेंगे, जिससे मेरी बॉडी यूज टू हो जाए इन सब के लिए। वेट्स उठाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, बट जब तक आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप कैसे करोगे? आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, एट द टाइम आपका शरीर भी ऐसे हार सा मान जाएगा, बट मैं नहीं मान रही हूँ, ना मैं अपने बॉडी को हार मानने दे रही हूँ। जब तक वेट नहीं उठाऊंगी, पेन नहीं लूंगी, तब तक बॉडी में असर नहीं दिखेगा। चलो कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मेरा लास्ट सेट है, उसके बाद
जिस एक्सरसाइज में मेरी हटी थी वो एक्सरसाइज करनी है, देखती हूँ हो पाती है नहीं हो पाती पैर की वजह से, बट आई विल ट्राई माई फकिंग बेस्ट टू डू इट। ये है मेरी फर्स्ट कार्डियो, मैंने लास्ट एक्सरसाइज नहीं की बिकॉज मुझसे नहीं हो रही थी, मेरा पैर पेन कर रहा था, बट कार्डियो करनी पड़ेगी बिकॉज कार्डियो इज़ द मेन। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कार्डियो डेफिनेटली करना, एक्सरसाइज आपकी मसल्स आपको बढ़ाएंगे, आई थिंक मसल्स ग्रो करेंगी, बट कार्डियो आपके इस चीज़ को कम करेगा। जो मुझे यही चीज़ कम करना है, मुझे बॉडी नहीं बनानी, मुझे सिर्फ इसको कम करना है, दैट्स इट। सो कार्डियो पे ज़्यादा धनूंगी, फर्स्ट ये वाली है ये मेरा लास्ट सेट है, उसके बाद आई थिंक वो कौन सी बॉल होती है, आई एम इस टाइम मुझे बिल्कुल कुछ भी, मैं सारी एक्सरसाइज के नाम भूल गई हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ बट सीरियसली बताओ मेरे को तीसरा हफ्ता है मेरा ये एक्सरसाइज करते करते, मुझे यहाँ पे जितनी भी इक्विपमेंट्स रखी हुई हैं, जितनी भी मशीन्स रखी हुई हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता मुझे नहीं पता, मुझे अगर सर बताते भी है ना तो मुझे गूगल पे सर्च करने पड़ती है, तो ये एक्सरसाइज है बट या कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। एक, सो गाइज ये है मेरा सेकेंड कार्डियो, बट आई डोंट नो मुझे हिम्मत नहीं हो रही है बिकॉज ये पूरा पैर पेन कर रहा है। लास्ट सेट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं जाके उस पर गर्म पट्टी लगाने वाली हूँ। सो कोई बात नहीं, चलो ख़त्म करते हैं। सॉरी मैंने माइक नॉइस कैंसलेशन अभी ऑन किया है, फिनिश करके चलते हैं। मेरी सांस कैसे फूल रही है आप देख सकते हो, बिकॉज मैं सीरियस हो गई हूँ अपने वेट को लेकर, एंड दूसरों को तो पता नहीं लेकिन ऑफ कोर्स आई विल प्रूव माई सेल्फ कि मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ। स्टमक बहुत पेन कर रहा है एक्सरसाइज की वजह से, जैसे मैम ने लिखा हुआ है ना, पेन इज टेम्प्रेरी प्राइड इज फॉर एवर, सो मैं उसको रोज देखती हूँ, पेन इज टेम्प्रेरी एंड प्राइड इज फॉर एवर। सो पेन सिर्फ कुछ टाइम का होता है लेकिन आपकी जो बॉडी बनती है एंड लोग आपकी वाह वाही करते हैं वो हमेशा के लिए होती है। सो या खत्म करते हैं लास्ट सेट, फिर मैं जाती हूँ कुछ खाऊंगी एंड आज इस पर दवाई लगाने वाली हूँ जाके, बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। और मुझे बताना कि आपको मेरी बॉडी में फर्क दिख रहा है, मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है बिकॉज मुझे मेरे घर वाले भी बोल चुके कि मैं पतली हो गई, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन देना ठीक है। डे 12 है आज एंड अभी आई डोंट नो कितने दिन बचे हैं, आप काउंट कर लेना मुझे काउंट, आई डोंट रिमेम्बर, बट चलो लेट्स एंड दिस एक्सरसाइज एंड कुछ टाइम बाद मैं फाड़ के रख दूंगी। चलो चले करें स्टार्ट। ओके सो गाइज मैं आ चुकी हूँ वापस एंड आज का व्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में। सॉरी व्लॉग शायद थोड़ा छोटा बना होगा बिकॉज दो तीन एक्सरसाइज जो थी मैंने जस्ट अपने लेग्स की वजह से नहीं की एंड अब मैं वहाँ पे मूव वगैरह लगाती हूँ, थोड़ा सा राहत देती हूँ इसे। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर देना बिकॉज मैं डेली वीडियोस जो है वो डाल रही हूँ, कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डल पाती है, कल वीडियो इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि मैं माइक लेके जाना भूल गई, मतलब मैं लेट हो गई जल्दी जल्दी में, माइक लेके जाना ही भूल गई। सो आज मैंने वीडियो शूट की है, 12th डे है आज मेरी वेट लॉस जर्नी का, अभी काफ़ी सारे डेज बाकी है। सो ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि अगर मैं व्लॉग्स वगैरह डालूंगी शॉर्ट्स वगैरह डालूंगी सो आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, बट सीरियसली गाइस थैंक्स अ लॉट, रियली थैंक यू अ लॉट।
सो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर देना, जिससे आपको मेरी जो वीडियोस है उनका अपडेट डेली टू डेली मिलता रहे। आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, शॉर्ट्स को भी प्यार देना, वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार देना, मेरी तरफ से आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए, एंड लव यू अ लॉट। बाय।